नमस्ते नॉर्थ ईस्ट फार्मर्स के। आज आपको अलग प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आपको बताएंगे। कम केमिकल फर्टिलाइजर्स और बायोलॉजिकल्स ज़्यादा यूज़ करना, यील्ड इंक्रीज होता और प्राइस भी ज़्यादा मिलता और पैसा भी, जो पॉकेट में पैसा भी मिलता। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आपको देते और नेचुरल इंसेक्ट्स, इसको बोलते प्रीडेटर्स, इसको रेडीमेड बोलते, इसको EPN बोलते। ये इसमें 3 करोड़ निमेटोड्स है। वो क्या कहते, 200 पेस्ट को कहते। आप 2-3 बार यूज़ करें तो 1 ईयर पूरा नहीं, वही कंट्रोल करते। केमिकल बार बार यूज़ करना केमिकल को, तो ये आप सॉइल एप्लीकेशन करना और स्प्रेइंग करना। सॉइल एप्लीकेशन के लिए लोग अभी ज़्यादा कम यूज़ कर रहे हैं, स्प्रेइंग ज़्यादा कर रहे हैं। सो इसलिए सॉइल एप्लीकेशन 80% सॉइल एप्लीकेशन करना, क्योंकि पेस्ट कम हो जाता। केन बायोसाइंसेस एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ये नेचुरल इंसेक्ट्स है और एक फेरोमोन्स है। ये तीनों हम आपको दे देंगे, कम इन्वेस्टमेंट होता और ज़्यादा यील्ड होता। ये रेडीमेड बॉक्स लूपर के लिए, कमलनाथ जी ज़्यादा से मेरे को फ़ोन करके, मैडम लूपर लूपर लूपर, ये इंसेक्ट्स लूपर को कहते। ये टी गार्डन रिसेंटली टी लोग पेपर में भी, द टी रिसर्च इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन पेस्ट, यही है वो। आप जाके खाली ऐसे ओपन करें तो बस है, और ये लेके जाके ऐसे ओपन करें तो पूरा फार्म में जोड़ सकते, तो वो जाके लूपर को काटे। और ये NPK कंटिन्यू स्प्रे करना, क्योंकि ये केमिकल को, यूरिया और DAP को, उसको पकड़ के प्लांट को देते। क्या करते, NPK कंटिन्यूसली आप यूज़ करना एवरी वीक। आप केमिकल कैसे यूज़ करते ये भी उसके साथ नेक्स्ट डे यूज़ करना। तो ये क्या करते हैं, NPK प्रोडक्ट, एन तो हवा में 70% नाइट्रोजन है, उसको पकड़ के पौधे को देते, फॉस्फोरस सॉइल में रखते, सॉइल को सॉल्युबलाइज करके प्लांट को देते, और पोटैश को मोबिलाइज करके प्लांट को देते। ये कंटिन्यू यूज़ करना तो प्लांट को अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इजी होता, केमिकल फर्टिलाइजर कम कर सकता। सो ये कंटिन्यूस यूज़ करना। ये भी बैक्टीरियस है, ये पूरा आप लोग भी खा सकते। अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे, ह्यूमन बींग्स को एक्सपोर्ट कर रहे। ये बैक्टीरियस अभी हमारा पेट में नहीं है, पहले था ये पेट में। अभी लोग को, क्योंकि मिनरल पानी पी रहे और सॉइल में ऐसा माइक्रोब्स नहीं है, तो आप लोग हमारे पेट में ये माइक्रोब नहीं है। ये विल्ट, ब्लाइट, ब्लास्ट, ये पूरा कंट्रोल हो जाता। ये दोनों यूज़ करते आप एटलीस्ट एवरी मंथ एक बार, 15 डेज और एक बार यूज़ करते बस होता। आप अलग देख सकते क्या है वो, तो ये पूरा माइक्रोब्स है। और कीड़ों में बताया ना, इसमें दुनिया में, होल वर्ल्ड में 78% इंसेक्ट्स है। होल वर्ल्ड में 78% इंसेक्ट्स है, खाली 10% इंसेक्ट्स बैड है। एक गुड खाने के लिए भगवान 10% बैड दिया, लाइक लूपर, लाइक रेड माइट, लाइक ग्रब्स। ये 6:30 को ये पूरा लूपर और रेड माइट्स, आपको टी गार्डन्स में क्या क्या प्रॉब्लम है वो 6:30 को इवनिंग उठते हैं। तो इसलिए शी इज़ अ PhD फ्रॉम एंटमोलॉजिस्ट है, वो हेडिंग करे काली प्रीडेटर्स को मैन्युफैक्चर करके आपको काली दिए, तो बस है। इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता और अच्छा यील्ड भी होता और सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज होता। और लोगों को, आप लोग चाय ज़्यादा लोग चाय पीते, क्यों आप लोग पेस्टिसाइड्स देते, ये लोग ये प्रीडेटर्स, ये फेरोमोन्स। लास्ट टाइम टी मस्किटो के लिए भी फेरोमोन्स भी भेजा था, ये टी मस्किटो का है, फेरोमोन ट्रैप्स। ये पूरा आप लोग यूज़ करते, इंसेक्ट्स, फेरोमोन्स, बायोलॉजिकल्स। केन बायोसाइंस इज़ वर्किंग टुवर्ड्स द फार्मर्स है, तो आप लोग यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम आई तो कमलनाथ जी आपको सपोर्ट करते।